दोस्तों नमस्कार, ये सुपर पावर एम्पलीफायर रिपेयर का फाइनल पार्ट है। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था ड्राइवर बोर्ड पे 2 3055 ख़राब मिले थे, 3 रेजिस्टेंस ख़राब मिली थी और आउटपुट में 3 खराब ट्रांजिस्टर मिले थे, एक ओपन 2 शार्ट, जिसमें एक ओपन और एक शार्ट को बदला गया था। और अब इस फाइनल पार्ट में बाकी का भी चेक कर लेते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर की तरफ वाले ट्रांजिस्टर हैं, जिनके नीचे वाले दोनों ट्रांजिस्टर बदले जा चुके हैं और उनका कनेक्शन भी कर दिया गया है। और अब इसमें से जो नीचे वाला ट्रांजिस्टर था, ये नहीं, ये नीचे वाला जिसका तार निकालने से मल्टीमीटर की बजर की आवाज़ बंद हुई थी, इसको चेक करना था। ये शार्ट है, हमने पिछली वीडियो में ही इसको पता कर लिया था, लेकिन बदलना इसको आज है और ज़रूरत पड़ी तो और बाकी अगर ख़राब ट्रांजिस्टर मिलते हैं तो उनको भी बदलेंगे। तो आज इस वीडियो को पूरा कर ही देना है। तो सबसे पहले इसको हम आपको चेक करा देते हैं। ये मल्टीमीटर को हमने बजर मोड में लगा दिया है, ब्लैक प्रॉप को एक कलेक्टर पे और रेड को बेस पे 500 ओम, और अब ब्लैक प्रॉप को मीटर पे, कोई कंटिन्यूटी नहीं। ये ट्रांजिस्टर ओपन है, ये ऊपर वाला है, और अब नीचे वाले को भी चेक कर लेते हैं। बेस टू कलेक्टर 60 है, बजर की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। तो कुल मिला के ये दोनों ट्रांजिस्टर ख़राब हैं, इनमें भी एक ओपन है और एक 60 है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी, बजर की आवाज़ आती है और वो कंटिन्यूटी 0 हो जाता है। तो इसमें अब आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें ये जो ऊपर पहली पिन है, ये वाली बेस है और ये एमीटर और ये कलेक्टर है। उसी तरह इसमें ये बेस है, ये कलेक्टर और ये ग्रीन वायर जो है ये एमीटर पे लगी है। तो ये पुराने ट्रांजिस्टर हैं और इनकी जगह हमने ये नए ट्रांजिस्टर लगाना है आज। ये 2N3773 यानी 3773 ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर होता है और ये प्लस DC वोल्ट पे काम करता है। और अब नए ट्रांजिस्टर को हमने लगा दिया है, उस पर थर्मल पेस्ट और सीट लगा के। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए उसको मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन अब आप इतना तो समझ ही सकते हैं। तो बेस टू कलेक्टर 500 ओम लगभग और बेस टू एमीटर भी 500 ओम। तो ये नया ट्रांजिस्टर है तो सही तो होगा ही। अब जो ट्रांजिस्टर यहाँ से निकाला है उसको चेक कर लेते हैं। बेस टू कलेक्टर 512 ओम्स और बेस टू एमीटर कोई कंटिन्यूटी नहीं, ओपन। इसी तरह दूसरे ट्रांजिस्टर को, बेस टू कलेक्टर 530 ओम और बेस टू एमीटर 568 ओम, और ये जो 60 ट्रांजिस्टर वहाँ से निकाला गया था। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि दोनों नए ट्रांजिस्टर होने के बावजूद, एक ही सीरीज होने के बावजूद, एक में 500 ओम के आसपास और एक में 530 ओम, दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन इतना फ़र्क चलता है। और ये दोनों ख़राब ट्रांजिस्टर हैं। अब बारी है इनको वायरिंग कर देते हैं। इनमें से जो तार जहाँ से जिसको निकाला था वैसे देते हैं लगा, और आपको दिखाते हैं ये जो पीली तार है, येलो कलर की वायर, ये उन्हीं 4 ट्रांजिस्टरों से होकर आई है जिसके पिछले वीडियो में हमने 2 ट्रांजिस्टर बदले थे, वही वहाँ से घूम के यहाँ आई है। और इसको रिसोल्डरिंग कर देते हैं जिससे ये तारों की पकड़ मजबूत हो सके, और फिर इस पीली तार को बेस पे जोड़ेंगे और बेस से ही एक तार दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस पे भी जोड़ देंगे, और इसी तरह एक जो ग्रीन वायर है उसको एमीटर पे जोड़ेंगे। और दूसरी, इसमें ग्रीन वायर नहीं है, किसी ने जब रिपेयर किया होगा तो उसकी जगह रेड कलर की वायर लगा दिया है, वो एमीटर पे ही लगेगी, तो उसको भी लगा देते हैं। तो ये हमने लगा दिया है बेस पे पीली तार, और वहीं से एक नीले कलर की तार दूसरे बेस पे, और एक हरी तार एमीटर पे, और दूसरी जो रेजिस्टेंस से ही लाल कलर की तार आई है उसको एमीटर पे। तो अब सब कुछ क्लियर हो चुका है और आप समझ भी चुके होंगे, क्योंकि मैं कई बहुत विस्तृत तरीके से रिपीट कर रहा हूँ जिससे आप पूरी तरह समझ जाएँ, और दोहरा रहा हूँ उनको। अब ये 2 ट्रांजिस्टर के अलावा ये 2 ट्रांजिस्टर भी बदले गए हैं जिसको पिछली वीडियो में बदला था। तो कुल मिला के 4 ट्रांजिस्टर में 2 ओपन और 2 शार्ट ट्रांजिस्टर हमें मिल चुके हैं।
और इनको हमने बदल दिया है। अब यहाँ एक प्लास्टिक कैप सा लगा होता है जिससे इससे थोड़ा बचाव रहता है। 40-45 वोल्ट डीसी इस पर सीधा आती है, इससे बंदे को थोड़ा हल्का सा शॉक सा लगता है, इसलिए डर जाता है। तो ये 47 ओम की रेजिस्टेंस जिसको हमने कहा था कि इसको बाद में बदलेंगे, और सारा कुछ पहले एक बार देख लेते हैं कि धुआं हुआ उठता है कि नहीं। तो पावर तो ऑन हो गया लेकिन इस बार कोई धुआं नहीं उठ रहा है। पहले मल्टीमीटर को 200 वोल्ट की रेंज में सेट करते हैं और फिर इसके 30-55 की जगह जो हमने लगाया है 15-0-32, उसके कलेक्टर पे 40-45 वोल्ट करंट चेक करते हैं। पहले वायर वगैरह देख लें कहीं कोई रह तो नहीं गई है। तो तारें लगभग सभी जुड़ चुकी हैं और अब इसको करते हैं ऑन, एम्पलीफायर को ऑन करते हैं और फिर वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये हो गया ऑन और कोई धुआं नहीं उठा इस बार। अभी वो रेजिस्टेंस वैसे ही लगी थी जिसको हमने कहा था कि सीरीज में लगा के चेक किया है और सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको तो हमें बदलना ही है, लेकिन अभी पहले चला के देख लेंगे, पहले वोल्टेज चेक कर लेंगे इसके। तो यहाँ पर कितना 47 वोल्ट डीसी आ रहा है और दूसरे कलेक्टर पे 47 वोल्ट डीसी, दोनों पे बराबर आने चाहिए और बराबर आ रहे हैं। और अब चेक करते हैं एमीटर पे, तो यहाँ पर प्लस 0.5 वोल्ट होने चाहिए। मीटर थोड़ा सही नहीं है लेकिन यहाँ पर हमें ड्राइव वोल्ट मिल गया है। और इसकी जगह आप लोग अगर अपने मीटर से चेक करें तो प्लस 0.5 वोल्ट होनी चाहिए। अब तार एक बार फिर से नज़र दौड़ा लेते हैं, कभी कोई उल्टा, हाँ ये फ़र्क लग रहा है। ये ट्रांजिस्टर होना चाहिए, ये ग्रीन वायर होनी चाहिए नीचे, और ये जो ऑरेंज कलर की तार है ये एक ट्रांजिस्टर का जैसे नीचे लगा है उस तरह हमें इसको लगाना है। अच्छा हुआ इस पर नज़र पड़ गई, नहीं तो चलता तो कोई दिक्कत नहीं आती लेकिन आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता आवाज़ बढ़ाने पे। तो इसको पहले देते हैं बदल, और अब ये ठीक हो गया है। इसमें हरी तार एमीटर नीचे होता है तो हरी तार नीचे रहेगी। कलेक्टर पे प्लस 47 वोल्ट 47 वोल्ट डीसी और एमीटर पे प्लस 0.5 होना चाहिए, यहाँ 0.3 बता रहा है, ये मल्टीमीटर की वजह से ऐसा हो रहा है। और ये 0.5 प्लस के आसपास है, इसको 5 होना चाहिए। तो आप अपने मीटर से इसको सेट कर लें। तो हमें ड्राइव वोल्ट मिल गया है, यहाँ पर देख लेते हैं 47 वोल्ट, यहाँ पर देख लेते हैं 47 वोल्ट डीसी, यहाँ भी मिलना चाहिए हमें ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस वाले पॉइंट पे। मीटर लगता है सही, इसको थोड़ा इसका रोटरी स्विच की वजह से दिक्कत आती है। तो 47 वोल्ट ठीक है ब्रिज रेक्टिफायर पे भी, और अब कलेक्टर पे भी 47 वोल्ट 47 वोल्ट डीसी यहाँ भी, और यहाँ भी चेक कर लेते हैं 47 वोल्ट डीसी। तो सब जगह ये 47 वोल्ट अब पहुँच गया है। ये आपके एम्पलीफायर में 45 वोल्ट भी हो सकता है, 4-6 वोल्ट इधर उधर हो सकता है, उसका कोई चक्कर नहीं। तो अब जो है तार लगाते हैं इनपुट में और मास्टर कंट्रोल को थोड़ा सा खोलते हैं और देखते हैं सिग्नल। तो आपने देखा आउटपुट लेवल इंडिकेटर ये शो कर रहा है सिग्नल, ये ऑडियो सिग्नल है। और अब ये हो गया है ओके। अब इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा माइक इसी में लगा के हलो हलो करके देख लेते हैं। हमने 47 ओम्स रेजिस्टेंस को अभी चेंज नहीं किया है, उसके बगैर ही पहले चेक कर रहे हैं, तो बोल के देख लेते हैं। पावर ऑन करते हैं, ये रहा माइक। हेलो, ये मिक्सर से काम करता है, ये मिक्सर के बगैर इसका आउटपुट बहुत कम लगता है लेकिन ये बिल्कुल ओके है। आप इंडिकेटर देख रहे होंगे और आवाज भी सुन रहे होंगे। तो दोस्तों ये था आहूजा का 500 वाट का
एम्पलीफायर जो मिक्सर लगा के चलाया जाता है, और इसमें फॉल्ट था, कोई आवाज़ नहीं आती थी इसमें। और अब 47 ओम्स रेजिस्टेंस को भी बदल देते हैं, ये वाली को। तो अब हम इस रेजिस्टेंस को नया लगा के आपको चेक करा देते हैं। आवाज़ में ये अभी पूरी तरह ओपन नहीं हुई थी, फिर भी हम इसमें नया डाल देते हैं। काली हो गई है, ये हमने नया डाल दिया इसको, और आपको फिर से चेक करा देते हैं। आवाज़ वैसी की वैसी रहेगी। तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका है, बस आप प्लस 0.5 जो एमिटर पे होना चाहिए वो आप कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।